हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या बनाएं? जल्दी जल्दी वाला आपको लाइट हेल्दी न्यूट्रिशियस नाश्ता बताती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। पोहे में सबसे पहले तो राई का जो है वो डाल देते हैं। इसको आप राई को फुटा लीजिए। ये थोड़ी तड़कती है इसलिए मैं इसको दो हिस्सा ढक देती हूँ। तो मैंने मूँगफली जो है वो शैलो करके ये रख ली है, शैलो करके मूँगफली रख ली है। इधर मेरा ये पड़ा है पोहा। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, आलू, गोभी, मटर, जितने भी आप इसमें सब्जियां डालना चाहो डाल सकते हो। ये बहुत ही लाइट और हेल्दी नाश्ता है, फटाफट बनने वाला भी है, क्विक रेसिपी है। हम इस सब चीज़ को ना इकट्ठे से डाल देते हैं, कोई इसको पहले उसको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब इकट्ठे जो है वो ही डाल दूंगी। ये डाल दिए मैंने इकट्ठे सारी सब्जी, प्याज भी, आलू भी और मटर जो है वो बाद में डालूंगी। मटर जो है ये देखिए ये डाल दिए मैंने। और इसमें अब मैं इसके पोर्शन का जो नमक है इतना सब्जी पे जितना नाम में डालना है वो भी डालूंगी। और इसको हम कर देते हैं एक बार बंद। फ्रेंड्स, मेरी सब्जी जड़ी है, देखो देखिए ये पक रही है। और मेरी ऐसा है कि मैं इसमें अब डाल दूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है ना वो थोड़ा बाद में डालनी चाहिए क्योंकि जल जाती है। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं खा सकते तो मत डालिए। वैसे ये मिर्ची के बिना भी बनता है पोहा। और ये है मेरे स्टीम किए हुए मटर हैं, इनको ज़्यादा पकाना नहीं है इसलिए मैंने इनको अब डाला है। अब एक बात जो आपको मैं बताऊँ वो ये है कि इसमें जो पोहा का नमक है ना वो मैं डालती हूँ ऐसे हाथ से, ये ऐसे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक सिरका। तो अगर आप सिरका खा सकते हैं तो ये बहुत स्वाद लगता है। कोई भी आप सिरका लें और उसको इसके ऊपर ऐसे नमक जो है वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा और ये भी इसमें पड़ जाएगा। और अब मैंने क्या करना है, इसमें क्या रह गया भाई, आपका सब्सक्राइब करना रह गया, मेरे चैनल को करा करो और सजेशंस भी दे दिया करो। नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मेरा ये चल रहा है और आपका धन्यवाद है मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। ये मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, हल्दी डालनी है ओनली पिंच। अच्छा, मिर्ची भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आप खाते हैं तो मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, मैं तो खा लेती हूँ भाई मिर्ची। तो ये मेरा इसमें और कोई गरम मसाला, कोई जीरा पाउडर, कुछ भी नहीं डालना। हमने इसको हेल्दी और डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए जब बनाना है ऑलिव ऑयल में बनाओ। और जो ये जो मैंने तो डाले हैं अभी आलू, मटर, प्याज और गोभी। अगर आपके पास वो है ना ब्रोकली हो या दूसरी पेपर हो, येलो रेड ये वो भी डाल सकते हो। ये मैंने डाल दिया कड़ी पत्ता और धनिया कुछ मैं रख लेती हूँ जो ऊपर से डालूंगी, थोड़ा मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये देखो ये हो गया है तैयार मेरा सारा जो अंदर जो न्यूट्रिशियस वैल्यू वाली चीज़ थी वो सारी तैयार हो गई है। अब मेरे को इसमें डालना है मूंगफली दाना। मूंगफली दाना चल भी अंदर ये भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। देखो ये मैंने मूंगफली दाना डाल दिया। कड़ी पत्ते का तो आपको पता ही है, कड़ी पत्ते की तो वैल्यू ही बहुत ज़्यादा है। ये मेरा धोया हुआ पोहा, ये देखिए ये मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं, अरे गिरना भाई,
तो इसको मैं थोड़ा सब्जियों के साथ करती हूँ मिक्स। देखिए ओहो क्या रंग है। जब किसी किट्टी में मैं जब किट्टियाँ घर होती थी तो मैं बनाती थी तो लोग इसको बहुत मेरी सहेलियाँ खुश होकर खाया करती थी और ये फरमैश में बनता था कि हमें ये बना के खिलाओ। तो मैं बहुत 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 जो है काफ़ी काफ़ी जो है बनाती थी और मेरे पेरेंट्स जो है बहुत खुश हो जाते थे मेरे हाथ का पोहा खा के। आप भी मेरी तरह बनाइए और देखिए कि अच्छा। मैं ना इसका एक बात और है, थोड़ा सा क्यों ना थोड़ा नमक का टेस्ट कर लूँ, अगर कम हुआ तो अभी डाल सकती हूँ। मेरे को शक था कि कम होगा, कम है तो मैं इसको थोड़ा ऐसे करके स्प्रिंकल करके डाल देती हूँ और एक बार और हला देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। सारी सब्जियाँ जो हैं मिक्स हो गई हैं। देखो कलर कितना सुंदर आया है, येलो ग्रीन, बीच में मूंगफली का कलर ब्राउन है। और अगर आपके पास और ये चीज़ें हों तो और भी अच्छा आ सकता है। बलजीत आप आएंगे इसका थोड़ा टेस्ट करके देखें। आज मैंने पोहा बनाया, देखिए क्या इसका कलर और देखने में प्रेजेंट। देखिए चीज़ जब आप बनाते हैं टेम्पटेशन उसकी आनी ही चाहिए, खाने वाले को देखने का भी स्वाद आना चाहिए। ये देखिए ये मैंने रख दिया आपके लिए पोहा, ये कर दिया स्प्रिंकल उसके ऊपर धनिया। और मैं आपको देती हूँ एक सर्विस स्पून। सर्विस स्पून डालने के लिए ना चावल की तरह ये चपटे वाला जो सर्विस स्पून है वो अच्छा रहता है। आप देखें खा के आपको कैसा। मेरे पास ग्रीन चटनी भी पड़ी है, सॉस भी है, इसके साथ आप खाएं एंजॉय करें और मेरे को करें चैनल को सब्सक्राइब। खा तो लेना टेस्ट भी कर देना ते पर अपना पंजाबी हिंदी वाला रौला फिर कर। नो 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 आई डोंट आई डोंट नो 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 मैं नहीं हिंदी बोल सकता। आप मत बोलिए, आप पंजाबी बोलिए, आप पंजाबी बोलिए, आप खा के बताइए भी कैसा। तुसी खा के दसो भी किदा है। ठीक है ओके भाई, मेनू तो सारे सारे नु दिखाना है। ठीक है ते बाहर तो चलो ठीक है, घर चलो कोई बात नहीं। नमक कम है? नहीं ठीक है बिल्कुल। ओके ओ थैंक यू। बल्कि मेरे हिसाब से जब मैं थोड़ा तेज खाना ना कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हां ठीक है कोई चटनी भी लाइए ना। राइट थैंक यू। आज चटनी जड़ी है। थैंक यू।